अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्विटर का अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना सिखाऊंगा। तो जिन मेरे भाइयों को ये अकाउंट डिलीट करना नहीं आता, ये वीडियो उनके लिए है। आपने सबसे पहले ट्विटर को किसी ब्राउज़र से ओपन करना है तो किसी ब्राउज़र से ओपन कर लें, या फिर अगर आपके पास ये एप्लीकेशन है तो वहीं से ओपन कर लें। जैसे ही आप दोस्तों इसको ओपन करेंगे, इसको डिलीट अकाउंट करने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो भी पोस्ट आपने की है उसको पहले डिलीट कर लें। अगर आपको ये डिलीट करने का तरीका नहीं आता तो थ्री लाइन पर क्लिक करें जो आपको नज़र आ रही हैं, ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करें। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपने इसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर इस पेज पर आप देखेंगे ये जो पोस्ट है उसको डिलीट कर लें। आपने इसको यस कर देना है। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ डिलीट करके। जैसे ही आप इसको डिलीट कर लेंगे तो आपने फिर से बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने अपना अकाउंट डिलीट करना है, तो आपने फिर से थ्री लाइन पर क्लिक करना है और आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ थोड़ा सा आना है और अकाउंट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपने उस पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ थोड़ा सा आना है और आपको ऑप्शन दिखाई देगा डीएक्टिवेट योर अकाउंट, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको नीचे की तरफ वो ऑप्शन दिखाई देगा डीएक्टिवेट। आपने सबसे पहले यहाँ पर इस पर जो डीएक्टिवेट का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने अगर इसको डीएक्टिवेट कर दिया तो आप इस अकाउंट को 1 महीने 30 दिन तक इसको लॉगिन दोबारा से नहीं कर सकते। अगर आपने इसको दोबारा से लॉगिन किया तो ये अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इसको लॉगिन मत कीजिएगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अगर आप इसको अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने सबसे पहले इसको जो है वो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये क्लिक कर दिया तो ये हमसे पासवर्ड कन्फर्म कर रहा है। तो आपने अपना जो ट्विटर का पासवर्ड है आपने वही देना है। तो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। आपने अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद तो ये मैं अपना पासवर्ड दे रहा हूँ। पासवर्ड दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड दे दिया और डीएक्टिवेट का जो ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपने भी इसी पर क्लिक करना है। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा ऑप्शन हमारे सामने आएगा, डीएक्टिवेट योर अकाउंट, योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेट। तो हमने यस डीएक्टिवेट पर क्लिक करना है क्योंकि हमने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है। तो दोस्तों ये हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। सॉरी टू सी यू गो, गुड बाय। तो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको 30 दिन तक दोबारा से लॉगिन किसी भी चीज़ में इस अकाउंट को लॉगिन मत कीजिएगा, वरना ये डिलीट अकाउंट नहीं होगा, डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो आपने गॉट इट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।